हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एम के आर किचन में। आज एम के आर किचन में हम लोग बनाने जा रहे हैं चिकन 65। अब बाहर बारिश भी हो रहा है तो चलिए गर्मा गर्म जल्दी से बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है, अच्छी तरह से धोकर इस छोटे छोटे साइज में हमने काट लिया है। इसे अब हम मैरिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार और मिला लेंगे अच्छी तरह से। अब हम डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर, ये रेगुलर वाली है। अब हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, इससे कलर अच्छा आता है। अब हम डालेंगे गरम मसाला 1 चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, ब्लैक पेपर, जीरा पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट हम डाल देंगे 1 चम्मच, करी लीव्स डालेंगे चॉप कर। अब हम दही डाल देंगे 4 चम्मच और नींबू डाल देंगे आधा, डालेंगे नींबू और सारी चीज़ों को मिला लेंगे अच्छी तरह से। ये पहला मेरीनेशन है, इसे हम 1 घंटा साइड में रख देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसे सारा रात भी रख सकते हैं फ्रिज में। तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें चावल का आटा, 4 चम्मच चावल का आटा डालेंगे और मिला लेंगे। और इधर हमने तेल को चढ़ा दिया है, गरम हो रहा है, हम एक एक करके डालेंगे। तेल हमने अच्छा ही गरम किया है, गरम गरम तेल में ही अच्छा से फ्राई हो जाएगा। आप 24 घंटा मैरिनेशन करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा बनता है, जूसी बनता है। इसी में हम क्या करेंगे, कड़ी पत्ता को फ्राई करके निकाल लेंगे। तो इसी में हमने कड़ी पत्ता को फ्राई कर लिया है। आप और क्या कर सकती हैं, लहसुन को चॉप कर और जब सारी चिकन फ्राई हो जाए तो उसके बाद आप उसी में टॉस कर लीजिएगा हल्का सा। तो हमारा ये चिकन 65 रेडी हो चुका है, अब हम इसे सर्व करते हैं। तो चलिए सर्व करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वो बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।